जय हिंद साथियों। साथियों आप लोग को बता दें, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल करके आ चुका है सीएपीएफ में एसी के पोस्ट पर वैकेंसी की। देखिए आप लोग को बता दें, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के पोस्ट पर आप लोग का एसी यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर नई वैकेंसी निकल करके आ चुकी है 2024 की। इसमें साथियों आप लोग का हम इस पोस्ट को लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को अभी के सेशन में प्रोवाइड कराने वाले हैं। यानी कि इसमें आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्या लगने वाला है, इसमें वेरियस पोस्ट पर भी वैकेंसी आया हुआ है, कौन कौन से पोस्ट पर कितने कितने सीटों पर वैकेंसी आई है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ए टू जेड आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन इस सेशन में प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। और आप लोग को बता दें साथियों, ज्यादा टाइम नहीं दिया है यहाँ पर आयोग, आप लोग को बता दें बहुत ही कम टाइम है। एग्जाम डेट अगर आप लोग देखिएगा ना तो दिमाग घूम जाएगा। देख लीजिए, एग्जाम डेट आप लोग का 4 अगस्त 2024, यानी कि मात्र 3 महीने में आप लोग का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस सेशन में हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। चलिए साथियों अभी के सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखिए आप लोग को बता दें, इसमें जो है आप लोग का देखिए, ऐसे नॉर्मल जो बहाली होती है ना एसएससी जीडी की, तो सारा इसी के अंतर्गत में होता है। बट यहाँ पर बता दें आप लोग का एसी यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट है ना, ये थोड़ा अच्छा पोस्ट है उससे, ठीक है, जीडी से यह अच्छा पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को पेमेंट भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 506 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। 506 सीटों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है, इसमें वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है। वेरियस पोस्ट पर इन 5 पोस्ट पर जो है टोटल आप लोग का 5 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। 5 पोस्ट का नाम लिखे है और सीट भी लिख दिए कि इसमें कितना सीट पर वैकेंसी है, देख लीजिए इसको। देखिए सबसे पहला है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आप लोग का 186 सीटों पर वैकेंसी है। सीआरपीएफ में आप लोग का 120 सीटों पर वैकेंसी है। सीआईएसएफ में आप लोग का 100 सीटों पर वैकेंसी है। आईटीबीपी, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है आईटीबीपी का वेट करते हैं, तो आईटीबीपी में का भी आप लोग का वैकेंसी यहां पर निकल करके आ चुका है। इसमें 58 सीटों पर वैकेंसी है। एसएसबी की अगर पोस्ट की बात करें तो टोटल 42 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है यहाँ पर साथियों, एसएसबी में भी। चलिए अब आगे आप लोग को बता दें अप्लाई डेट क्या है, तो 26 अप्रैल से आप लोग का 14 मई तक अप्लाई होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि मात्र आप लोग का जो है बहुत ही सारा बहुत जल्द मतलब कि प्रोसेस है यहाँ पर। अभी आप लोग का फॉर्म ही अप्लाई होगा और तुरंत 3 महीने के बाद एग्जाम भी ले लेगा आप लोग का, ठीक है। तो इसमें जो है तैयारी थोड़ा जल्दी करिएगा भैया, ठीक है, तैयारी थोड़ा मन से करिएगा, जोरों शोरों से करिएगा, ज्यादातर चांसेस है जॉब हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए फी की अगर बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए लगने वाले हैं। एससी एसटी के लिए आप लोग का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यानी कि 0 रुपए। एससी एसटी बिल्कुल फ्री में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बता दें ये जो फॉर्म है इंडिया के ऑल कैंडिडेट्स के लिए है। ऑल कैंडिडेट्स इंडिया के कोई भी मेल हो या फिर आप लोग फीमेल हो, कोई भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। बस शर्त यह है कि आयोग के द्वारा जो क्वालिफिकेशन निकाला गया है वो क्वालिफिकेशन आप लोग के पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन भी नॉर्मल है, आगे आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। देखिए करेक्शन डेट इसमें आप लोग का, अगर आप मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करिएगा 26 अप्रैल से 14 मई तक, कुछ गलत हो जाता है, नाम मिस्टेक होता है, फादर नेम में मिस्टेक हो जाता है या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो जाता है, कुछ भी अगर आप लोग से मिस्टेक हो जाता है, तो करेक्शन डेट निकाला गया है 15 से 21 मई तक आप लोग का करेक्शन डेट रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2024 तक रखा गया है, ठीक है। यानी कि आप लोग का एज जो है 20 से 25 आप लोग का होना चाहिए यहाँ पर जो है जनरल के लिए। ऐसे हम आप लोग का डेट ऑफ बर्थ लिख दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आप लोग को डेट ऑफ बर्थ भी अभी हम आप लोग को समझाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जनरल का जो एज है मिनिमम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 25 होना चाहिए। यहीं पर अगर बात करें छूट की तो ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ साथियों की, डेट ऑफ बर्थ आप लोग का कैसे होना चाहिए। तो देखिए जनरल का अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए इलिजिबल है, अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो, क्योंकि इसमें आप लोग का क्वालिफिकेशन जो है योग्यता ग्रेजुएशन मांग रहा है, ठीक है, यानी कि स्नातक, ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्या डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो 2 अगस्त 1996 से लेकर के 1 अगस्त 2004 तक अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए इलिजिबल है। एससी एसटी की अगर बात करते तो 2 अगस्त 1994 से लेकर के 1 अगस्त 2004 तक अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए इलिजिबल है। बस आप लोग के पास शर्त योग्यता आप लोग का ग्रेजुएशन
होना चाहिए। एग्जाम डेट आप लोग को बता ही दिए कि 4 अगस्त 2024 आप लोग का जो है एग्जाम का डेट फाइनल यहाँ पर कर दिया गया है। ये जो एग्जाम है आप लोग का साथियों उसी दिन कंफर्म है कि एग्जाम होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा। और आप लोग को एक बात बता दे, ये जो एग्जाम होता है ये ऑफलाइन होता है साथियों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम आप लोग का ऑफलाइन होता है। चलिए अब आगे आप लोग को बता दें साथियों यहाँ पर फिजिकल। अब आप लोग बोलिएगा सर जो एग्जाम हो रहा है तो आप यहाँ पर रिटर्न क्यों नहीं समझा रहे हैं, तो आप लोग को बता दें साथियों सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग का सबसे पहले होता है पेपर वन, ठीक है। पेपर वन होगा, फिर हो जाएगा आप लोग का पेपर टू, उसके बाद आप लोग का जो है इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरव्यू, उसके बाद आप लोग का होता है यहाँ पर फिजिकल, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग समझ लीजिए ये जो सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पर जो है आप लोग के सामने लिख पाना पॉसिबल नहीं था, तो आप लोग को जो है हम लास्ट में दिखला देंगे, जो आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया ना उसमें आप लोग को नोटिफिकेशन में अच्छी तरह से ये सिलेबस हम दोनों का समझा देंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर फिजिकल देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को सिलेबस समझा देते हैं। फिजिकल में आप लोग साथ समझ जाइए, फिजिकल देखने से एक प्रॉफिट ये भी होता है, किसी किसी बच्चों का जो है हाइट नहीं रहता है तो वो लोग पहले ही देख करके समझ जाते हैं कि चलिए भैया मेरे लिए फॉर्म नहीं है, तो वो लोग अभी से ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग फिजिकल समझ लीजिए। देखिए हाइट की अगर बात करें, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर लगेगा एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करें तो मेल के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए चेस्ट कुछ भी नहीं लगता है। देखिए 81 से 86 क्या, बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या मेरा 81 से 86 के बीच में चेस्ट रहेगा तो हो जाएगा। भैया ऐसा नहीं है, अगर आप लोग का मिनिमम जो है चेस्ट 81 होना चाहिए और इसको पंप करने पर यानी कि फुलाने पर 5 सेंटीमीटर जो है आप लोग का और बढ़ना चाहिए, यानी कि प्लस 5 सेंटीमीटर आप लोग का जो है बढ़ना चाहिए। अगर आप लोग का 82 सेंटीमीटर चेस्ट है तो प्लस 5 और कर लीजिए, यानी कि आप लोग को 87 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, तब आप लोग जो है एलिजिबल हो पिएगा, ठीक है। एंड फीमेल के लिए चेस्ट कभी भी नहीं लगता, इसको ध्यान रखिएगा। अगर उसके बाद देखिए ये हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, उसके बाद 100 मीटर का रेस होगा, तो 100 मीटर के रेस के लिए मेल को 16 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, फीमेल को 18 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद होगा 800 मीटर का रेस, 800 मीटर के रेस के लिए 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम मेल के लिए, 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम फीमेल के लिए दिया जाएगा। उसके बाद अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.5 मीटर जो है यहाँ पर मेल के लिए एंड 3 मीटर जो है फीमेल को लॉन्ग जंप फाड़ना होगा साथियों। यहाँ पर जो है शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंकना, जो गोला होता है वो गोला फेंकना रहता है, गोला का वजन रहता है, तो गोले का वजन कितना रहेगा तो 7.26 केजी से लेकर के आप लोग का वजन रहेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल को फेंकना होगा 4.5 मीटर तक, ठीक है। एंड फीमेल को यहाँ पर गोला कुछ भी नहीं फेंकना है, वो ऐसे ही एलिजिबल है, ठीक है। तो यही आप लोग का फिजिकल है साथियों। अगर आप लोग मुश्किल से दो मंथ अगर कोशिश करिएगा ना, तो भैया फिजिकल बहुत ही आसान है, 1 से 1.5 मंथ काफी है ऐसे फिजिकल के लिए, फिजिकल बहुत ईजी है, फिजिकल में कुछ भी यहाँ पर जान आप लोग का नहीं रखा गया है। अब आगे आप लोग को समझा दे साथियों कि पेपर वन और पेपर टू में क्या क्या आप लोग का पूछा जाएगा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस तो समझा ही दिया, आप लोग का कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग सबसे पहले इसको देख लीजिए। देखिए साथियों जब आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करिएगा ना, तो ये पेज नंबर 12 में, ठीक है, ये हम नोटिफिकेशन वैसे आप लोग को टेलीग्राम पर भी डाल दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के आप लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद पेज नंबर 12 में जैसे ही आप लोग आइएगा, तब आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा अपेंडिक्स वन, ठीक है। अपेंडिक्स वन में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन से संबंधित यहाँ पर सारा लिखा गया है। आप लोग का जो पेपर वन का एग्जाम है, ये पेपर वन आप लोग का एग्जाम 10 बजे से 12 बजे तक होगा 4 अगस्त 2024 को, ठीक है। और यहीं पर बात करें तो पेपर टू का जो एग्जाम है, तो पेपर टू का एग्जाम 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा आप लोग का, सेम डे में दोनों एग्जाम लेकर के एक ही दिन में खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड यहीं पर आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि किससे कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए पेपर वन में आप लोग को जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से आप लोग का 250 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एंड पेपर टू में आप लोग को जनरल स्टडीज ऐसे एंड इनकॉम्प्रिहेंशन से आप लोग का 200 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन टोटल पूछने वाला है, ठीक है। 200 मार्क्स का आप लोग का यहाँ पर पूछेगा। अब आगे आप लोग को टोटल बतला दे रहे हैं कि इसमें जो है, ये तो ऐसे हम आप लोग को ये सब तो बोर्ड पर बतला ही दिए कि इसके लिए कितना फिजिकल चाहिए, मगर आप लोग को मेन जो चीज़ है वो हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। अच्छा और चीज़ यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो हम इंटरव्यू के बारे में चर्चा किया है ना बोर्ड पर, तो इंटरव्यू में आप लोग देख सकते हैं आप लोग का इंटरव्यू का जो है 150 नंबर का आप लोग का इंटरव्यू यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड आगे आप लोग को बता दें पेपर वन में
पूरा डिटेल वाइज कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाएंगे ये देख लीजिए। देखिए पेपर वन में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से आप लोग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला रहेगा आप लोग का जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, उसके बाद यानी कि ये हो गया आप लोग का रीजनिंग, एंड उसके बाद हो गया दूसरा नंबर जनरल साइंस, तीसरा करेंट अफेयर, करेंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, चौथा नंबर पर है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, पांचवा नंबर पर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड छठा नंबर पर है आप लोग का इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा। ये आप लोग का पेपर वन से सिक्स टॉपिक दिया गया है, ठीक है। एंड आगे आप बात करते हैं हम लोग पेपर टू से, पेपर टू में अगर हम लोग बात करते हैं जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का, तो इसमें आप लोग को बात बता दें कि पेपर टू में पार्ट ए एंड पार्ट टू दो पार्ट में बांट दिया गया है। पार्ट ए में आप लोग का 80 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा एंड पार्ट बी में आप लोग का 120 नंबर से क्वेश्चन पूछेगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इसका जो है इसका टॉपिक वाइज दिखा है कि नहीं, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसका टॉपिक वाइज दिखा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो है पेपर टू का टॉपिक वाइज कुछ नहीं लिखा है कि मतलब कि कौन कौन सा पूछेगा, बस ऐसे ही दे दिया। अच्छा हाँ हाँ देखिए देखिए यहाँ पर तो आप लोग का ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो गया 80 नंबर का, ठीक है। एंड दूसरा नंबर में पार्ट बी में जो पूछेगा आप लोग का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कम्युनिकेशन यानी कि लैंग्वेज स्किल से आप लोग का जो है पूछने वाला है इन इंग्लिश में, लैंग्वेज स्किल टू बी अटेम्प्ट इन इंग्लिश में आप लोग का 120 नंबर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यहीं आप लोग का रहने वाला है, पैसेज वगैरह आप लोग का देगा, ठीक है, इससे ज़्यादा तो आपके कुछ देखा नहीं। और भी कुछ है क्या आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस? चलिए अब ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हम आप लोग को प्रोवाइड करा दिए, ठीक है, अब आगे आप लोग जो है आगे आइए देख लीजिए। चलिए साथियों संपूर्ण जानकारी आप लोगों को हम दे दिए, तो ये जितने भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग के यहाँ पर CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सारा इन्फॉर्मेशन ये था जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए। अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, एंड वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। आप लोग एक शेयर करने से हमें भी सपोर्ट मिलता है मित्र, तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन बहुत सारे कैंडिडेट नहीं दबाते हैं, उससे उनका लॉस होता है क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन ये नहीं जा पाता है। हम आपको बता दें कि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते हैं, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब हो, ऑनलाइन जॉब हो या फिर ऑफलाइन जॉब हो, जितने भी जॉब आते हैं सभी जॉब के अपडेट्स हम आप लोग को बतलाते हैं। बीच में कुछ बदलाव भी किया जाता है तो सारे बदलाव भी हम आप लोग को जो है इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ भी इस पर अपडेट हो तो हम आप लोग को सूचना दे पाए साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करेंगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।